हेलो व्यूअर्स, राम कमल विथ यू। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट मूड, मूड ऑफ होप। क्रिया की मूड कितने होते हैं उसके बारे में जानेंगे। वर्ब किन किन अवस्थाओं में कैसे ही एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कोई कार्य को कैसे प्रतिनिधित्व करता है उसके बारे में जानेंगे। और कितने तरह के होते हैं और उदाहरण के साथ जानेंगे, जैसे क्रिया का किसी उदाहरण में मूड क्या है, किस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है इसको जानेंगे। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है, ही रोट ए लेटर टू हिज ब्रदर। यह सेंटेंस एक फैक्ट है और स्टेटमेंट है। इस तरह के सेंटेंस को इंडिकेटिव मोड कहा जाता है। इस प्रकार क्रिया का एक मूड है जिसको इंडिकेटिव मूड कहा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, कम हियर वेट हियर। तो इसमें क्रिया का जो एक्शन है वह जो है कमांड का है, तो इसको कहते हैं इम्परेटिव मोड। इसको इम्परेटिव मोड कहा जाता है। थर्ड क्रिया का मोड है सबजंक्टिव मोड। सबजंक्टिव मोड में क्या होता है, इसमें इच्छाएं होती हैं, जैसे इफ आई वेयर यू आई वुड हैव गॉन टू दिल्ली। तो आज हमने जाना क्रिया के तीन मूड होते हैं, इंडिकेटिव, इम्परेटिव, सबजंक्टिव। और इसके उदाहरणों को इसे दोहरा लेते हैं। जैसे हीरो अ लेटर टू हिज ब्रदर, ये फैक्ट है, स्टेटमेंट है, या क्वेश्चन भी हो सकता है, हु रोट अ लेटर। तो ऐसे वाक्यों को, इस प्रकार के वाक्यों को इंडिकेटिव मूड कहा जाता है, इंडिकेटिव मूड। दूसरा होता है इम्परेटिव मूड, जिसमें आज्ञा होता है, जैसे कम या वेट या इस तरह के जो वाक्य होते हैं इनको इम्परेटिव मूड कहा जाता है। और थर्ड जो है सबजंक्टिव मोड होता है, जिसमें विश किया जाता है, इच्छा प्रकट की जाती है। दिस वॉज अबाउट द मूड ऑफ वर्ब एंड हाउ वर्ब इज रिप्रेजेंटिंग action in different mood. Thank you. Thank you for being with me. Thank you very much.